जब से शहर में लॉकडाउन हुआ है तब से कई बेसहारा जरूरतमंदों को भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में शहर के होटल सेंटर पॉइंट की ओर से प्रतिदिन दो टाइम तकरीबन 2000 लोगों को खाना बांटा जा रहा है। डालते हैं एक नजर। पिछले 12 दिनों से होटल सेंटर पॉइंट प्रबंधक की ओर से जरूरतमंदों को खाना बांटा जा रहा है। दो टाइम बांटा जा रहा है ये खाना, जिसमें सब्जी, दाल, रोटी, मसाला भात, कड़ी पकौड़ी, खिचड़ी, पूरी भाजी, वेज बिरयानी, छोले, मसाला भात आदि पदार्थ होते हैं। रोजाना 2000 जरूरतमंदों को खाना बांटा जा रहा है। सोशल ग्रुप के माध्यम से झोपड़पट्टी और स्लम भागों में यह खाना खास तौर पर बांटा जा रहा है। इस बारे में होटल सेंटर पॉइंट के मैनेजर आशीष कामले इन्होंने जानकारी दी। होटल सेंटर पॉइंट में हम आ चुके हैं और किचन में इस समय में मौजूद है। आइए जानना चाहेंगे कि जरूरतमंदों को जिस प्रकार से खाना बांटा जा रहा है, कितना लोगों को खाना बांटा जा रहा है। सर, इस समय हमारे साथ में मैनेजर आशीष कामले जी है। कामले साहब, ये बताइए जिस तरह से ये खाना बांटा जा रहा है, कितने लोगों को खाना बांटा जा रहा है, कौन कौन से परिसर में खाना जा रहा है और क्या क्या मेनू दिया जा रहा है? जैसे कि पिछले 12 दिनों से शहर के अलग अलग इलाके हैं, कुछ स्लम एरियाज है जहाँ पे काफ़ी गरीब लोग रहते हैं, रोजनदारी वाले लोग रहते हैं। ये पर्टिकुलर दो चार शहर की एरिया है जहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते। उस एरिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए खाना रोज बना रहे हैं। ये खाना सुबह और शाम अलग अलग तादाद में बनता है। कम से कम हम लोग 1500 से 2000 लोगों के लिए फीड कर रहे हैं डेली, और हमारे तरफ से डेली की कोशिश ये रहती है कि जो भी खाना बन रहा है आज के तारीख में वो दूसरे दिन रिपीट ना हो। जैसे दिन में भी हम कुछ अगर खाना बना रहे हैं तो वो खाना हम लोग शाम को नहीं बनाते, कुछ दूसरे तरीके का मेन्यू देते हैं। हम लोग कभी छोले भटूरे, पूरी भाजी, मसाला भात, कढ़ी, वेज बिरयानी, दम आलू छोले, आलू छोले, राजमा मसाला, इस तरीके के अलग अलग तरीके के मेन्यू जैसे कि हम जनरली खाते हैं उसी तरीके का फूड हम लोग बनाते हैं और डेली उसको आधे घंटे के अंदर में हम लोग उस एरिया में डिस्पैच करते हैं। पर कम से कम हम लोग कम से कम हमारा टारगेट रहता है कि वेस्टेज कम हो और खाना ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचे करके। और ये खाना बहुत ही हाइजीन लेवल पे बनाते हैं और बहुत ही जो शेफ्स है जो मतलब हर चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जहाँ जहाँ पे जिस जिस चीज़ की प्रिकॉशन लेनी है, सैनिटाइज करना है, आई बराबर सैनिटाइज करके, कटिंग एरिया अलग, बाकी शेफ की जो कुकिंग मेथड है उस हिसाब से खाने को पूरे अच्छे तरीके से वेल कुक्ड और अच्छे स्वच्छता वाले हिसाब से बना के हम लोग उन तक पहुँचाते हैं। हर एरिया में अलग अलग डिमांड होती है, कहीं पे 600 लोग के लिए खाना होता है, कुछ एरियाज में 300 लोग के लिए खाना होता है, कुछ एरियाज में 200 लोग के लिए खाना होता है, कुल मिला कुछ होता है, कुछ एरियाज में पार्सल से खाना भेजा जाता है। ऐसा कुल पकड़ के 2000 लोग को हम लोग एक बार में हम लोग खाना भिजवाते हैं। तो बिल्कुल जिस प्रकार से शहर के कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं जो खाना बांट रहे हैं, इसी क्रम में अगर हम बात करना चाहे होटल सेंटर पॉइंट की बात, और यहाँ पे हम किचन में हैं और जिस तरह से इन्होंने जो बातचीत की और हमको बताया कि 2000 जरूरतमंदों को दो टाइम का खाना रोजाना बांटा जा रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि खाने जैसा दान में दान श्रेष्ठ दान भोजन दान कहा जाता है और देश की सेवा भी इसी माध्यम से की जा रही है। होटल सेंटर पॉइंट की तमाम कर्मियों और यहाँ के मालिक जसबीर सिंह मिक्की अरोरा इनकी ओर से। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।